Hello students, today we are going to discuss about the topic Unit 7 Direction and Time And lesson number 17 is Directions So students do you know there are 4 main directions How many directions? There are 4 main directions Which they are East, West, North and South There are 4 main directions So let's start about this topic Direction इन द मॉर्निंग द सन राइजेस इन द ईस्ट सो हमेशा मॉर्निंग में सन कौन सी डायरेक्शन से आता है ईस्ट डायरेक्शन से आता है इन द इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट और हमेशा जो सनसेट कौन सी डायरेक्शन में होता है वेस्ट डायरेक्शन में होता है इफ वी फेस द सन एट सनराइजेस वी आर फेसिंग द ईस्ट डायरेक्शन जब सनराइज होता है तो हमें क्या करना है हमारे छत के ऊपर जाकर या टेरेस के ऊपर जाकर हमें सनराइज जिस डायरेक्शन से होता है उस डायरेक्शन में आपको फेस कर कर खड़ा खड़ा रहना है बिहाइंड अस इन इज द वेस्ट और जो आपकी आपका फेस का डायरेक्शन कौन सा होगा ईस्ट डायरेक्शन होगा बट जो आपका बैक पोर्शन है वो कौन से डायरेक्शन में रहेगा वेस्ट डायरेक्शन में रहेगा जैसे कि इस पिक्चर में ये गर्ल्स कौन से डायरेक्शन में फेस करके है ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके है तो उसका जो बैक पोर्शन है वो कौन से डायरेक्शन में होगा वेस्ट डायरेक्शन में होगा इज द नॉर्थ एंड टू आवर राइट इज द साउथ तो हम जब ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके खड़े रहेंगे तो हमारी जो लेफ्ट साइड है वो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होगी सी डायरेक्शन होगी नॉर्थ डायरेक्शन और जो हमारी राइट साइड होगी वो हमारी साउथ डायरेक्शन होगी तो इस, इसी तरह हम क्या करते हैं जो फोर डायरेक्शन है उनको इसी तरह पहचानते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट आर द फोर मेन डायरेक्शन तो मैंने आपको पहले ही बताया था देर आर फोर मेन डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ वी फॉलो डायरेक्शन इन ऑर्डर टू गो टू अ प्लेस फ्रंट बिहाइंड लेफ्ट एंड राइट तो हमेशा हम डायरेक्शन को इसी तरह ऑर्डर में फॉलो करते हैं कौन सी किस तरह करते हैं ईस्ट वेस्ट मतलब जो हमारे फ्रंट साइड में होती है वो ईस्ट डायरेक्शन होती है जो हमारे बैक साइड में मतलब बिहाइंड में होती है वो हमारी वेस्ट डायरेक्शन होती है जो हमारे लेफ्ट में होती है वो नॉर्थ डायरेक्शन होती है और जो हमारे राइट में होती है वो साउथ डायरेक्शन होती है तो इसी तरह हम सभी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं और गेस करते हैं आर द कॉमन वर्ड्स वी यूज टू लोकेट समथिंग और सम प्लेसेस तो इसी तरह हमें अगर किसी जगह पर जाना है किसी प्लेस पर जाना है तो हम इसी तरह सभी प्लेस को पहचानते हैं सिटिंग इनसाइड द क्लास रूम वी कैन से दैट द टीचर इज फ्रंट ऑफ अस हम क्लास में जब खड़े रहते हैं तो हमारे फ्रंट में कौन खड़ी रहती है हमारी टीचर खड़ी रहती है तो हमारे वो कौन से डायरेक्शन में रहती है वो हमारे इस डायरेक्शन में खड़ी रहती है द कप बोर्ड इज द इज टू आवर लेफ्ट एंड द विडो इज़ आवर राइट तो यहाँ पे आपको क्लासरूम दिखाया गया है तो ये स्टूडेंट यहाँ पर बैठ कर है सीट कर कर है तो जो स्टूडेंट है उनके फ्रंट साइड में टीचर बैठकर है तो स्टूडेंट की वो कौन सी डायरेक्शन होगी ईस्ट डायरेक्शन में टीचर बैठ बैठ कर है एंड द विंडो इज आवर राइट तो स्टूडेंट के राइट right साइड में विंडो है तो वो उनकी कौन सी डायरेक्शन होगी साउथ डायरेक्शन होगी द ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड द टीचर और टीचर के बिहाइंड मतलब पीछे में क्या है ब्लैक बोर्ड है तो वो उन कौन सी डायरेक्शन होगी वेस्ट डायरेक्शन होगी हेस वी मस्ट लर्न टू अस यूज द राइट वर्ड्स टू गिव और फॉलो डायरेक्शन तो इसी तरह हम क्या करते हैं हमारी राइट right, लेफ्ट में जो भी डायरेक्शन है इसी तरह हम पढ़ते हैं वी फॉलो डायरेक्शन इन ऑर्डर टू गो टू अ प्लेस हम जिस जगह पर जाते हैं उसी तरह हम क्या करते हैं डायरेक्शन को पहचानते हैं और फॉलो करते हैं मतलब हमें कोई अगर बताता है कि हमें लेफ़्ट साइड जाना है तो राइट right साइड जाना है तो हमें उसी से हम क्या करते हैं डायरेक्शन का पता करते हैं यूजली वी यूज़ डायरेक्शन लाइक लेफ्ट राइट एंड स्ट्रेट तो हमें अगर किसी प्लेस पर जाना है तो कोई भी हमें डायरेक्शन ही बताते हैं जैसे कि लेफ़्ट डायरेक्शन में आपको जाना है लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है राइट डायरेक्शन जाना है और स्ट्रेट जाना है तो इसी तरह हम डायरेक्शन से हमें जिस जगह पर जाना है उस प्लेस का हम प्लेस को हम पहचानते हैं ओके अंडरस्टैंड स्टूडेंट इस टॉपिक